सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in. आज 27 सितंबर 2019 फ्राइडे है, सुबह के 8:02 हो रहे. जैसे कि आज हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, फ्राइडे है, तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे. नेक्स्ट वीक कहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स आ सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. कल हमने देखा दो दिन के गिरावट के बाद फिर से एक बार मार्केट में बुल्स एक्टिव हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो अभी लास्ट स्विंग हाई बना है वो ब्रेक होना काफी जरूरी है, तो हम यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं. कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्राइवेट बैंक्स के साथ भी मीटिंग की और कुछ पॉजिटिव आउटपुट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर किए. लेकिन हालांकि जो ग्लोबल सिनेरियो है, यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, वो कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव खबरें आ रही है, तो इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर देखने को मिल रहा है. तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे, फिर बैंक निफ्टी का एनालिसिस और उसके बाद निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे. उससे पहले जो एक ऑफर चल रहा है अपस्टॉक्स के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बता दूं. जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ट्रेडिंग फाइव ऑथोराइज पार्टनर है, ये तीनों डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और फाइव पैसा. तो अपस्टॉक्स और फाइव पैसा में एब्सोल्युटली फ्री अकाउंट ओपनिंग है, कोई भी चार्जेस नहीं है. तो अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते, तो ट्रेडिंग फाइव की जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री में मिल सकता है. तो आपको इन तीनों में से कोई एक अकाउंट ओपन करना है, जस्ट आपको यहाँ पर अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ये मोबाइल एंटर करते हैं आप, आपको ओटीपी आ जाएगा. कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी. एक दिन में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स सभी रेडी होने चाहिए, तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा. अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पर कॉल करना है और आपका क्लाइंट आईडी हमें कन्फर्म करना है, ताकि हम आपको प्रीमियम मेम्बरशिप में ऐड कर सकें. और एक ऑफर है अपस्टॉक्स में, अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो Fab 200, ये प्रोमो कोड आपको यूज़ करना है. ट्रेडिंग फैब के मेंबर्स के लिए ये स्पेशल ऑफर है. 200 रुपीज़ का आपको फ्लैट डिस्काउंट ब्रोकरेज मिलेगा, तो आपको शुरू में 200 रुपीज़ का कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा. तो ये सिर्फ ट्रेडिंग फैब के लिए ऑफर है. तो ये था एक ट्रेडिंग फैब और ऑफर के बारे में एक छोटा सा इंट्रो. तो चलते हैं कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. तो ये एक पिक्चर है कल का, यानी 26 सितंबर 2019 आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,472 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,415. तो यह 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. कल निफ्टी इंडेक्स हमारा ब्रेकआउट लेवल था, इसी के पास जस्ट ओपन हुआ और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव होने लगा. तो हमारा फर्स्ट टारगेट 11,496 यहाँ पर अचीव हुआ और सेकंड टारगेट 11,513 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करके थे तो अराउंड 33,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं क्विकली. कल अमेरिकी बाजार में भी साफ तौर पे प्रेशर देखने को मिला, डाउ जोन्स, नासडैक लाल निशान में बंद हुए. यूरोपियन मार्केट्स जो कि एशियाई मार्केट के बाद क्लोज होते हैं, तो वो हरे निशान में कल बंद हुए थे. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स में 263 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है. चाइना और हांगकॉन्ग मार्केट में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है. डाउ फ्यूचर 53 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और एसजीएक्स निफ्टी भी 35 पॉइंट्स की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल अभी ग्लोबल मार्केट्स में तो थोड़ी कमजोरी दिखाई दे रही है, एशियाई मार्केट भी थोड़े प्रेशर में ट्रेड कर रहे हैं. तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के एनालिसिस से शुरू करते हैं, मंथली चार्ट से शुरू करेंगे. यह है बैंक निफ्टी का चार्ट, मंथली चार्ट है ये. अगर आपने हमारा फ्राइडे का, लास्ट फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, तो यहाँ पर कुछ सिनारियो ऐसा था कि 20 EM है, ये जो 20 EM है इसके नीचे ये कैंडल स्टिक बन रहा था, यहाँ पर रेड कैंडल स्टिक था ये ऐसे.
तो हमारा एनालिसिस ऐसा था कि अगर ये प्रीवियस मंथ यानी अगस्त का अगर लो ब्रेक करता है तो यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव हो सकता है, तभी वन वीक बाकी था मंथ के एंड मंथ खत्म होने के लिए। तो क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है हर एक चार्ट में। तो अभी इस मंथ में भी दो ट्रेडिंग सेशंस बाकी है और अभी फिर से इसने 20 EMA का यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक होते हुए यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है। इसके पहले भी इसने 20 EMA का सपोर्ट टेस्ट किया है और बाउंस बैक दिखाया है। यहाँ पर 23.6% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल भी आ रहा था, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो अभी भी दो ट्रेडिंग सेशन बाकी है इस मंथ में। ये पॉजिटिव साइन है कि यह 20 EMA को रिस्पेक्ट कर रहा है और इसके ऊपर इसने यहाँ से एक लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक अब तक ये फॉर्म यहाँ पर होते हुए हम देख सकते हैं। तो यहाँ से अभी इसे ये प्रीवियस स्विंग, ये जो स्विंग आया है इसे ब्रेक करना होगा, तो हमें यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। ये रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है, हर्डल हो सकता है। आप देख सकते हैं जब भी ये ऊपर की तरफ जाता है स्विंग हाई बनाता है, नीचे आता है तो फिर से ऊपर जाते वक्त प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है और इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे आता है, फिर जब ये सपोर्ट टेस्ट करके ऊपर आता है तो प्रीवियस स्विंग हाई है उसे ब्रेक करके और ऊपर जाता है। तो अभी यहाँ से जो स्विंग लो बन के फिर से ऊपर आ रहा है तो इसे ये कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है तो ही हमें यहाँ से अपसाइड मूवमेंट यहाँ से दिखाई दे सकती है, वरना यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होके ये फिर से हमें करेक्शन दिखा सकता है। तो ये मंथली चार्ट का सिनेरियो है, लॉन्ग टाइम फ्रेम का सिनेरियो हम इस वक्त एनालिसिस कर रहे हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में। यह बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, जैसे कि हमने पास्ट में भी देखा था 100 EMA के पास ये रिस्पेक्ट करता है, 100 EMA को सपोर्ट टेस्ट करता है और बाउंस बैक दिखाता है, सेम उसी तरह अभी इस बार भी इसने कंटिन्यूस 100 EMA के पास सपोर्ट टेस्ट किया, पेनेट्रेट किया इस लेवल को और अभी यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। आज वीक का लास्ट दिन है फिलहाल, तो यहाँ पर दोजी कैंडल स्टिक दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट में, यानी इनडिसिजिव पैटर्न, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बुल्स और बियर्स में फाइट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ये जो ले अभी दोजी कैंडल स्टिक बना है तो यहाँ से अगर टूवर्ड्स ये फिर से साउथ की तरफ आता है तो 20 EMA जो कि अराउंड 28,940 के पास अभी है, ये फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है यहाँ पर। और अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो ये जो प्रीवियस स्विंग हाई बना है ये 30,442 के यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को फेस करता है, इसके ऊपर 30,442 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है आज के दिन में तो यहाँ से अपसाइड जर्नी हमें दिखाई दे सकती है, तो वरना ये जो स्विंग हाई है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करके ये फिर से 20 EMA को एज अ सपोर्ट टेस्ट करने के लिए यहाँ आ सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट का सीनरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो फिर से कल यहाँ से बुल्स की एक्टिविटी का कल बढ़ गई थी दो दिन के गिरावट के बाद, हालांकि ऊपरी लेवल पे ये सस्टेन नहीं हो पाया और नीचे आके क्लोज हुआ है और ऊपर इसने काफी लंबा टेल छोड़ दिया है। तो यहाँ पर अगर ये बियरिश कैंडलस्टिक के इस लो को ब्रेक करता है यानी 29,480 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे ये 100 EMA यानी 28,849 की तरफ ये बढ़ते हुए हमें दिखाई दे सकता है। तो अगर इसे ऊपर जाना है तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कंप्लीट एक स्विंग हाई बना है अराउंड 30,801 ये यहाँ पर इसका हाई है, तो इसे ये कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है तो ही हमें यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं पास्ट में यहाँ पर इसी लेवल के पास ये यहाँ पर इसने एक कंसोलिडेशन फेज बनाया था और यहाँ से एक फॉल आया था, तो ये काफ़ी क्रूशियल जोन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है एज पर पास्ट एनालिसिस। यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ था इस लेवल के पास, तो 30,442 के ऊपर अगर कोई सस्टेन होता है, डिसीजिव मूव आती है तो ही यहाँ से हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो है, वीकली चार्ट मंथली चार्ट देखा, एक बार हम 60 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं तो आपको इंट्राडे के लिए थोड़ी आज के लिए आइडिया आ सकती है। ये है 60 मिनट का चार्ट,
अगर आप इसे ध्यान से देखें तो कल इसने जो प्रीवियस स्विंग था यहाँ पर ही एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस फेस करके टुवर्ड साउथ की तरफ मुंह दिखाया, तो यहाँ पर एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर बन सकता है। ये इसका होगा फर्स्ट टॉप, फिर ये नीचे आया और फिर ये यहाँ पर इसने सेकेंड टॉप लगाया है और ये फिर से नीचे आ रहा है, तो इसका नेक लाइन जो है ये यहाँ पर बनेगा अराउंड 29,500 के पास। तो 29,500 ये नेक लाइन को अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली, इसको अगर ये ब्रेक करता है नेक लाइन को, तो हमें यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मुंह दिखाई दे सकता है। तो डबल टॉप एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। अगर ये नेक लाइन को रिस्पेक्ट करता है यानी 29,500 को रिस्पेक्ट करता है और फिर से ऊपर की तरफ अगर बढ़ता है तो यहाँ पर ये डबल बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। और यहाँ से अगर ये फिर इस नेक लाइन को अगर ब्रेक करता है, ये जो प्रीवियस जो स्विंग बने हैं टॉप बने हैं इसको अगर ब्रेक करता है तो और निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें ऊपर के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो ये है 60 मिनट के चार्ट का सिनेरियो, हमने वीकली डेली और मंथली चार्ट को भी एनालिसिस किया। चलते हैं अभी निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है वीकली चार्ट, आप देख सकते हैं अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, तो ये 11,543 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं ये देखने लायक होगा। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो हमें फिर से 11,370 के लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक अभी फिलहाल इस वीक एक इनडिसिसिव पैटर्न देखने को मिल रहा है, लास्ट डे है अभी तक, यहाँ पर एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। आज क्या होता है इसके ऊपर आने वाली मूव यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं, कंफर्मेशन मिल सकता है। तो यह है वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट में। यह डेली चार्ट लास्ट चार दिन से यह 11,600 के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है, 11,600 को ये पेनेट्रेट कर रहा है लेकिन 11,600 के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा। तो 11,600 एक पहला रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, और अगर ये 11,440 को अगर ब्रेक करता है फिर से, अगर ये टूवर्ड्स अगर साउथ की तरफ आता है और 11,440 को ब्रेक करता है तो फर्स्ट सपोर्ट होगा 11,370 का, और उसके बाद ये 100 EM है जो कि अराउंड 11,260 के पास है, ये नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं। यहाँ पर एक डिसीजिव मूव आना काफ़ी ज़रूरी है इस स्विंग हाई के ऊपर, तो ही हमें यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये है फिलहाल 60 मिनट के चार्ट का एनालिसिस, वीकली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, आज के लिए निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। यह निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट यानी आर्ली चार्ट, आप देख सकते हैं अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो पहला तो पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है 11,549 ये पहला हर्डल है। उसके बाद में हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल देखा था, वो भी 11,543 के पास आ रहा था, तो वो काफ़ी यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर सकता है जहाँ से बाउंस बैक होने की उम्मीद है। अगर वो ब्रेक करता है तो उसके नीचे 20 EMA है और उसके बाद फिर S1 का ये पिवट पॉइंट का लेवल है। तो यहाँ पर अगर टूवर्ड साउथ की तरफ भी अगर मूव होता है तो S1 को ये अगर कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है ये, तो यहाँ से क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से ये और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हो सकता है। लेकिन अगर उसके पहले अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग लो इसने बनाया है अराउंड 11,534 के पास, तो अगर ये इसे ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,510, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,488, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो यहाँ पर जहाँ से इसने कल एक अटेम्प्ट किया था ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए, हालांकि इसने आर्ली चार्ट में सेम हाई लगाया था 11,589, तीन बार इसका हाई लगाया था, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है ये एक 5 या 10 मिनट के चार्ट में यहाँ पर सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा
11,614, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,632, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। एक सेकेंड, 11,632 R1 का पिवट पॉइंट का लेवल हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस, निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स को भी हमने आइडेंटिफाई किया। तो अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।